हम बाइसाइक्लो कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे कि बाइसाइक्लो कंपाउंड आपके होते क्या हैं। तो देखो यार, ध्यान से देखो। तो देखो मैंने हेडिंग डाला है नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड। अब ध्यान से सुनना कि देखो यार, ये मैंने बाइसाइक्लो कंपाउंड का एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा है। अब देखो क्या है कि देखो, अगर हम टू रिंग को लें, अगर आप दो रिंग को लो, उसको आप फ्यूज करा दो। फ्यूज का मतलब समझते हो, जैसे कि देखो एक रिंग ये, दूसरा रिंग ये, इसको मैंने फ्यूज करा दिया, मतलब ऐड कर दिया, जोड़ दिया। कैसे जोड़ते हैं मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आपने दो रिंग लिया, उसको फ्यूज करा दिया, ठीक है। लेकिन ठीक, उसके पास में कॉमन कार्बन कितने होने चाहिए आपके पास में? एट टू कॉमन कार्बन एटम, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, बोलो? बाइसाइक्लो कंपाउंड, ठीक है। तो मैंने आपको बोला, अगर आप टू रिंग सिस्टम ले लो, उनको आप फ्यूज करा दो, ऐड करा दो, ठीक है। वो भी आपके कॉमन कार्बन कितने होने चाहिए? दो। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? बाइसाइक्लो कंपाउंड। अब देखो यार, इसका कैसे करना है, जैसे कि देखो कि एक लिया साइक्लोप्रोपेन, एक के लिया आपने साइक्लोब्यूटेन। तो मैंने साइक्लोब्यूटेन लिया, एक साइक्लोप्रोपेन लिया। अगर देखो, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको और इसको मर्ज करूं, ठीक है, मैं फ्यूज करूं, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं कि इसको इधर से खींच के इसको पास में लाके ऐसे मर्ज कर रहा हूं। तो देखो क्या होगा, ध्यान से सुनना कि देखो कि ये आएगा आपका ऐसा कि देखो, ये मैंने आपका मर्ज कर दिया, समझ में आया? अब देखो कि देखो, ये आपके कॉमन कार्बन है, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना कि अभी देखो इधर कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो टोटल कार्बन कितने हैं इधर आपके? 7। तो इधर कितने टोटल आपके? 1, 2, 3, 4, 5। तो देखो यार, टोटल कार्बन आपके पास में, ध्यान से सुनना, इधर पहले आपके 7 थे, इधर क्या हो गया आपके? 5। तो आपने दो कार्बन हटा दिए। अब कैसे हटे, कहां पर गए, वो अपने कोई काम का नहीं है। बस इतना समझना कि देखो इसको मैंने पास में लाया, ठीक है, ऐसे समझो कि मैंने इसको पास में लाया, इसको पास में लाया, इसको पास में लाया, और लाके देखो इनमें से दो कार्बन हटा दिया और ये बचा। तो बोलो ये जो आपके जो कॉमन कार्बन आ रहे हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आया? तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं हम बाइसाइक्लो कंपाउंड। क्या बोलते हैं? बाइसाइक्लो कंपाउंड। आई होप समझ में आया। जैसे कि और दोबारा समझो कि जैसे कि देखो ये रिंग है आपका, ठीक है, ये भी एक रिंग है, ठीक है, और रिंग है। तो देखो मैंने इसको फ्यूज कराया, तो मैंने ये फ्यूज करा दिया, ठीक है। तो ध्यान से सुनना कि देखो यार, इधर भी पहले एक कार्बन एटम था, इधर भी कार्बन एटम था, और जब मैंने फ्यूज कराऊंगा तो टोटल इधर कार्बन एटम क्या होगा आपका? 1, ठीक है। आई होप क्लियर है। अब देखो इसके बारे में डिटेल में हम देखते हैं। तो देखो डिटेल में देखने के लिए आप देखते रहना कि देखो ये मैंने आपको दोबारा से बनाया, चाहो तो देखो मैं इधर ही बना देता, लेकिन देखो। तो बोलो कि देखो यार, ये आपके कॉमन कार्बन है, तो इनको मैं लिख देता हूं कॉमन कार्बन एटम, कॉमन कार्बन एटम। बोलो कितने आपके पास में? एक तो ऊपर वाला, एक नीचे वाला। इन्हीं कॉमन कार्बन एटम को बोलते हैं हम ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन एटम। क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड कार्बन एटम। इसको मैं शॉर्ट में क्या बोलूंगा? BH। तो देखो यार, मैंने आपको बस इतना अभी तक इतना आपको बहुत आसान भाषा में समझाया कि जो कॉमन कार्बन एटम आएंगे उनको बोलेंगे हम ब्रिज हेड कार्बन एटम, उनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? BH। अब देखो ध्यान से सुनना कि देखो यार, इसको हम क्या बोलें? ब्रिज हेड कार्बन एटम, ब्रिज हेड कार्बन एटम। अब देखो ध्यान से, जो आपका लिंकेज ब्रिज हेड कार्बन से जुड़ रहा है, जैसे कि देखो एक एक ये वाला आपका एक लिंकेज है, जैसे कि देखो ध्यान से देखो कि ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, देखो ये कहाँ से जुड़ रहा है आपका? ये इधर बोलो कहाँ पर जुड़ रहा है आपका? ब्रिज हेड कार्बन से। ये भी कहाँ पर जुड़ रहा है आपका? ब्रिज हेड कार्बन से। तो जो लिंकेज आपका ब्रिज हेड कार्बन से होगा उसको बोलेंगे हम ब्रिज। तो ये क्या हुआ आपका? ब्रिज, ठीक है। अब देखो ये आपका बॉन्ड है, ये भी देखो कहाँ पर जुड़ रहा है आपका? ब्रिज हेड कार्बन से। ये भी ब्रिज हेड कार्बन से, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? ब्रिज, ठीक है, इसको भी हम ब्रिज बोलेंगे। अब देखो इधर, ये भी आपका एक ब्रिज है, ठीक है, चल के देखो इस पे, देखो इधर है, आप ऐसे चले, एक कार्बन मिला आगे चले, एक कार्बन मिला आगे चले, ये क्या मिल गया आपका? ब्रिज हेड कार्बन एटम। चले कहाँ से थे आप? ब्रिज हेड कार्बन एटम से। तो बोलो ये भी क्या आपका? ध्यान से देखो, ब्रिज हेड, ब्रिज, ठीक है, ये क्या आपका? ब्रिज, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ये क्या आपका? ब्रिज। और ये जो कॉमन कार्बन एटम क्या है आपका? ब्रिज हेड कार्बन एटम। तो मैंने आपको समझाया ब्रिज क्या है, जो कनेक्शन किसके साथ में हो? ब्रिज हेड कार्बन एटम के साथ में हो, तो उसको हम बोलेंगे वो आपका ब्रिज। अब देखो कौन से ब्रिज में आपके
कितने कार्बन एटम आते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे अच्छे से। बस आप इतना समझना कि जो आपके कॉमन कार्बन एटम है उनको हम क्या बोलेंगे, ब्रिज हेड कार्बन एटम, ठीक है। और जो आपका लिंकेज किसके साथ में हो, जो आपका लिंकेज हो ब्रिज हेड कार्बन के साथ में, उसको बोलेंगे हम ब्रिज, ठीक है। आई होप क्लियर है। अब देखो ध्यान से कि जैसे कि देखो एक और एग्जाम्पल बताता हूँ मैं कि देखो यार कि ये मैंने आपको बनाया है, ये मैंने ऐसा कंपाउंड बनाया, ठीक। एक और मैं बना देता हूँ ऐसा, तो बोलो इधर बोलो ध्यान से कि देखो इधर कॉमन कार्बन एटम कौन से आ रहे हैं, ये वाले कॉमन कार्बन एटम। तो ये जो मैंने जो हाईलाइट किए हैं, ठीक है, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये क्या आपके ब्रिज हेड कार्बन एटम, ये भी क्या है ब्रिज हेड कार्बन एटम, ठीक है। और देखो ये क्या आपका एक ब्रिज, ब्रिज को शॉर्ट में बी से बोलेंगे, और ये भी क्या आपका एक पूरा का पूरा ब्रिज, और ये भी क्या आपका बीच वाला भी क्या आपका ब्रिज। तो मैंने आपको ब्रिज आपको समझा। अब देखो ध्यान से, अगर देखो मैं इस वाले ब्रिज की बात करूं तो देखो यहां से चलना स्टार्ट करो तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। तो इस कार्बन में इस ब्रिज में कितने कार्बन आए आपके, चार। और इस ब्रिज में बीच में ध्यान से सुना, बीच में कितने कार्बन एटम आए, देखो यहां से आप चलना स्टार्ट किए यहां पर आ गए तो बोलो बीच में कुछ नहीं आ रहा, तो बोलो जीरो आए, ठीक है। मैं बीच में बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब इधर बोलो इस वाले ब्रिज में कितने कार्बन एटम आए, एक, दो, तीन, चार। तो इधर भी कितने आए आपके, चार। तो ये मैंने आपको ये भी डिफाइन करना बता दिया कैसे कितने कार्बन एटम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो देखो यार, अब देखो यहां से चलना स्टार्ट किया, अब मैं इस ब्रिज की बात कर रहा हूं तो बोलो कितने कार्बन एटम आए बीच में, एक। तो इधर लिख लो आप एक, इनका काम आएगा, ठीक है। इस वाले में बीच में कितने आए, जीरो। इधर कितने आए आपके, दो। अब इनका देखो काम कैसे है, ध्यान से सुना काम कैसे है कि जब आप नेमिंग करोगे ना यार, तो देखो पहले लिखोगे आप बाइसाइक्लो, ठीक है। पहले क्या लिखोगे आप, बाइसाइक्लो। और जो नंबरिंग करोगे, ठीक है, जो नंबरिंग आप लिखोगे, न्यूमेरिकल जो नंबर लिखोगे आप, ध्यान से सुनो, उसको लिखोगे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसका भी एक एसेंस होता है जो मैं बताऊंगा कैसे लिखोगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और उनके नंबर के बीच में जो आपका सेपरेटेड होगा, जो जिससे आप सेपरेशन करोगे, वो क्या होगा आप ध्यान से सुनना, डॉट होगा, ना कि कॉमा। बहुत सारी बुक में इसको कॉमा भी दे रखे थे लेकिन वो गलत है, क्या होता है आपका डॉट। अब देखो कैसे लिखना है, जैसे कि देखो इस वाले कंपाउंड का मैं नाम बताना चाहूँ कि देखो मैं लिख रहा हूँ इधर, तो पहले तो आपको प्रीफिक्स लिखना है बाईसाइक्लो, तो आपने बाईसाइक्लो लिखा। उसके बाद में आपको ये ऐसा ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, ये ऐसा ब्रैकेट लगाना है। उसके बाद में जो ब्रिज के जो नंबर हैं, जैसे कि 2, 1, 0, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। तो बोलो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है आपका, 2 डॉट, ध्यान से सुनना, डॉट मैंने बोला है, डॉट, उसके बाद में 1.0, उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो बोलो 1, 2, 3, 4, 5, कितना है आपके, 5, ठीक है। तो देखो दोबारा से मैं गिन देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 पे क्या आता है आपका, पेंटेन। तो यार जगह नहीं है लेकिन भावना समझ जाना, पेंटेन। तो देखो नाम क्या है इसका, कि बाईसाइक्लो प्रीफिक्स पहले लिखा, उसके बाद में जो आप ब्रैकेट में लिखते हो जो नंबर, जो ब्रिज के नंबर होते हैं, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे। सेपरेशन मैंने क्या किया, डॉट के साथ में, उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ कार्बन, पेंटेन। अब देखो इसका मैं नाम लिख देता हूँ कि देखो इसका नाम क्या है आपका, बाईसाइक्लो, इसके बाद में ब्रैकेट में, ठीक है। अब ब्रैकेट में देखो मैं इस नंबर को किस में लिखूंगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बोलो 4, 4, 0। जरूरी नहीं है कि हर बार इसके बीच में जो बीच वाला ब्रिज है उसमें जीरो ही आपके कार्बन एटम आए बीच में, नहीं, ठीक है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो बोलो क्या आया, 4.4.0, उसके बाद टोटल नंबर कार्बन बोलो कितना है, कि देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो ये आया, 10 पे क्या आता है आपका, डेकेन। और देखो आपको टोटल नंबर कार्बन काउंट करने हैं, तो देखो 4, 4, 4 कितने होते हैं, 8। तो देखो इस वाले ब्रिज में कितने कार्बन है, 4। इस वाले ब्रिज में कितने कार्बन है, 4। और दो कॉमन कार्बन एटम है, तो 4, 4, 8 हो तो 10। आप ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो ध्यान से कि देखो एक और मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं इसके क्वेश्चन बहुत सारे कराऊंगा आपको, तो ध्यान से देखते रहना। तो देखो, तो पहले यार कॉमन कार्बन एटम देखो, ये कॉमन कार्बन एटम, ये भी कॉमन कार्बन एटम, ठीक है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ब्रिज हेड, इसको भी मैं क्या बोल सकता हूँ, ब्रिज हेड। ये एक आपका ब्रिज है, ठीक है, ये आपका पूरा एक ब्रिज है, ये आपका पूरा एक ब्रिज है। अब देखो जब ये आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए तो बोलो कितने कार्बन एटम आए, हाईलाइट कर देता हूँ कि देखो इधर कितने आए आपके, बोलो, और इधर कितने आए आपके, तो इधर आए आपके 4, तो 4 मैंने हाईलाइट कर दिया। इधर कितने आए आपके, 3, और बीच में कितने आए आपके, 0। तो बोलो कैसे नाम लिखोगे इसका, मैंने आपको समझाया। तो देखो यार, पहले मैंने प्रीफिक्स लिखा बाईसाइक्लो, देन उसके बाद में जो नंबर हम लिखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो बोलो क्या आया,
तो 4.3.0 ये डॉट लिखा है। उसके बाद में टोटल नंबर कार्बन आइटम के लिए मैंने क्या बताया, 4 और 3 7 और 2, तो बोलो कितना है आपका, 7 और 2 9, तो नो नेम, ये मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो उसके बाद में देखो और भी क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको, कि देखो अभी इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे जो आपको आई होप आपको सही लगेंगे, कि देखो यार। तो ये पहले अभी ये तो मैंने करा दिया है, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको कि देखो ये, तो पहले आप इसमें बात करो कि यार इसमें कॉमन कार्बन आइटम कौन से हैं। तो देखो कॉमन कार्बन आइटम कौन से हैं, ये कॉमन कार्बन आइटम, ये भी आपके कॉमन कार्बन आइटम। तो जो कॉमन कार्बन आइटम होते हैं वो आपके ब्रिज हेड कार्बन आइटम होते हैं। इसके रेस्पेक्ट में देखो, इधर देखो एक इस ब्रिज में बोलो कितने कार्बन आए आपके, 4। कैसे देखा, 1 2 3 4। इसमें कितने आए आपके, इस ब्रिज में कितने आए, 1। और इस बीच वाले ब्रिज में कितने आए आपके, बोलो ध्यान से, इस ब्रिज में आए आपके 0। तो बोलो क्या नाम आएगा, बाईसाइक्लो 4.1.0। देन टोटल नंबर कार्बन आइटम कितने आ गए आपके, 5 और 2 7। तो बोलो वो क्या आ गया आपका, हेप्टेन। तो देखो यार एक और बार मैं सारी चीज़ आपको समझा देता हूँ, कि देखो नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड के बारे में बात कर रहे थे। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या होते हैं, अगर दो रिंग को लो, अगर आप फ्यूज कर दो उनको, आपस में आप जोड़ दो, तो उससे बनेगा आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड। लेकिन जो आपके कॉमन कार्बन आइटम है वो कितने आने चाहिए आपके, 2। इसके बाद में जो आपको ये जो नंबर लिखना है, ये वाला नंबर, ठीक है, या फिर देखो ये वाला नंबर या फिर ये वाला नंबर जो मैंने आपको लिखा है, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक, इसके भी पीछे रीजन है बताऊंगा। उसके बाद में देखो ध्यान से, जो आपको सेपरेशन इस्तेमाल करना है इधर, वो क्या है आपका, डॉट, ठीक है। और जो आपके कॉमन कार्बन एटम होते हैं उसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन एटम, और जो लिंकेज आपका ब्रिज हेड कार्बन एटम से होता है उसको बोलते हैं ब्रिज, ठीक है। अब ब्रिज में कार्बन फाइंड आउट कर लो, जैसे कि देखो, अगर देखो मैं इस ब्रिज की बात करूं तो 1 कार्बन, इस ब्रिज की बात करूं तो 0, इधर बात करूं तो आपके 2। इधर मैंने आपको समझाया था कि देखो इधर आपके कितने आ रहे हैं, बोलो 4, इधर भी कितने आ रहे हैं आपके 4, ठीक है। इधर आपके कितने आ रहे थे, 4, और इधर कितने आ रहे थे आपके 3, इस वाले ब्रिज के बीच में कितने आ रहे थे, 0, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बाकी इसमें देखो कितने आ रहे हैं, 4, इसमें कितने आ रहे हैं आपके 1, इसमें बीच में कितने आ रहे हैं आपके 0। ऐसे भी क्वेश्चन कराऊंगा कि इसके बीच में आपके 0 कार्बन आइटम नहीं आएंगे इस वाले ब्रिज। देखो दोस्तों, कुछ थ्योरी लिखा है, कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, इसको मैं एक एक चीज़ को डिटेल में समझाऊंगा। इससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि देखो, हर एक यूट्यूबर बोलता है, हम यूट्यूबर तो नहीं, एक छोटा यूट्यूबर हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो यार, जो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि देखो हमको कुछ चीज़ें पता चले, कि आपका जेन्युइन जो फीडबैक पता चले, कि हाँ अपने में क्या गलती है, क्या सुधार कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम सुधारने की उसको कोशिश करेंगे। तो आपका फीडबैक आएगा तो वो अच्छा रहेगा, और आपके लिए जो आने वाले लेक्चर वो अच्छे से सुधर पाएंगे और अच्छे से आ पाएंगे, ठीक है। उसमें क्वालिटी सही होगी, उसमें सारी चीज़ें सही होगी। अब ज़्यादा नहीं बोल के आगे हम पढ़ाते हैं, ठीक। तो देखो यार ध्यान से, कि मैंने ऐसे क्वेश्चन दे रखे आपको, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें आपको नेमिंग बताना है। तो देखो, पहले आप ब्रिज हेड कार्बन एटम फाइंड आउट करो। तो देखो, ये कॉमन कार्बन एटम, ये तो मिट ही गया यार, ये कॉमन कार्बन एटम, ठीक है, ये कॉमन कार्बन एटम। तो मैं इस कॉमन कार्बन एटम को हम क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन एटम, इसको भी क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन एटम। अब देखो ध्यान से सुनना, कि इस ब्रिज में बोलो कितने कार्बन एटम है आपके, 2, ठीक है। इस ब्रिज में कितने कार्बन है आपके, 2, और इस बीच वाले ब्रिज में कितने कार्बन है आपके, 0। समझ में आया? तो बोलो क्या नाम आएगा इसका, कि देखो इसका नाम आएगा बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, ठीक है, बाईसाइक्लो, ये तो गलत लिख दिया, ठीक है। तो देखो ये क्या आएगा आपका, बाईसाइक्लो। उसके बाद में जो नंबर लिखोगे वो क्या लिखोगे आप, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 2.2.0। देन टोटल नंबर कार्बन आइटम कितने, 6, देखो 4 प्लस 2, तो बोलो ये क्या आ गया आपका, हेक्सेन। क्लियर है, ठीक है। पहले आपने देखो कॉमन कार्बन आइटम फाइंड आउट किया, ये कॉमन कार्बन आइटम, ये कॉमन कार्बन आइटम। इस ब्रिज में कितने कार्बन आए आपके, 2, इसमें कितने आए, 2, इसमें कितने आए आपके, 0। अब देखो पहले इसमें देखो कॉमन कार्बन आइटम फाइंड आउट करो। तो ये कॉमन कार्बन, ये भी कॉमन कार्बन, बोलो इस ब्रिज में कितने कार्बन आइटम, 1, इस ब्रिज में कितने, 1, इस ब्रिज में बोलो कितने आ रहे हैं आपके, 2। तो बोलो कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है। तो देखो यार, इसको लिखने के लिए आपको बस सेम रूल अप्लाई करना है जो मैंने आपको समझाया है, कि देखो पहले आपको प्रीफिक्स लिखना है, देन नंबर लिखना है, वो भी किसको, डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जो नंबर को सेपरेटेड करोगे वो डॉट से करोगे, ठीक है। तो बोलो इसका नाम क्या है आपका, बाईसाइक्लो, और इसके बाद में 2.1.1। अब देखो इधर 1 और 1 सेम है, तो कोई सा भी पहले लिख सकते हो आप, ठीक है। तो बोलो उसके बाद में टोटल नंबर कार्बन 4 प्लस 2, तो बोलो ये क्या है आपका, हेक्सेन। क्लियर है, गुड। अब देखो
इसमें पहले कॉमन कार्बन एटम, ये कॉमन कार्बन एटम, ये कॉमन कार्बन एटम, ये ब्रिज बोलो कितने कार्बन, एक, ये बोलो कितने कार्बन आपके, तीन, इसके बीच में कितने, जीरो, समझ में आया। अब देखो ब्रिज में कितने कार्बन एटम है ये आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए, जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो बोलो इसका नाम क्या आएगा, बाईसाइक्लो, ठीक है, बाईसाइक्लो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो 3.1.0, उसके बाद में 4 + 2 = कितना आया आपका 6, तो ये क्या आया आपका हेक्सेन। तो देखो यार पहले आपने ब्रिज हेड कार्बन एटम फाइंड आउट किया, ब्रिज में कितने आपके कार्बन आए, दो, इसमें दो, इसमें कितने आए आपके, जीरो, इसमें कितने आए आपके, तो ब्रिज में दो, इसमें कितने आए आपके, एक, इसमें कितने आए आपके, एक। और ब्रिज हेड कार्बन एटम को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, ये क्या है आपके ब्रिज हेड कार्बन एटम, जो कॉमन कार्बन एटम है उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रिज हेड कार्बन एटम। इधर कितना आ रहा है, तीन, इधर कितना आ रहा है आपके वन, इधर क्या आ रहा है आपका, जीरो। आई होप ये क्लियर है। अब देखो जीके भी समझना यार, अगर आप बाईसाइक्लो कंपाउंड में, अगर आप बाईसाइक्लो कंपाउंड में कोई साइड चेन लगा दो, ठीक है, देन नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, किसी भी एक ब्रिज से, ठीक है, किसी भी एक ब्रिज से, कौन से ब्रिज से, कि देखो ये भी एक ब्रिज है, ये भी एक ब्रिज है, ये भी एक ब्रिज है, और ये क्या था आपका ब्रिज हेड कार्बन एटम। तो देखो नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से होगी, ब्रिज हेड कार्बन एटम से, ठीक है, नंबरिंग स्टार्ट होगी आपके ब्रिज हेड कार्बन से, उसके बाद में प्रोसीड करेंगे हम लॉन्गेस्ट ब्रिज में, देन हम कहाँ पर, स्मॉलर में, फिर उसके बाद में स्मॉलेस्ट में। तो देखो मैंने आपको क्या समझाया, इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ, कि देखो अगर आपको बाईसाइक्लो कंपाउंड में अगर आपने साइड चेन लगा दिया, फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, या फिर आपने कुछ भी लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, मल्टीपल बॉन्ड लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, तो उस केस में देखो नंबरिंग आपके कहाँ से स्टार्ट होगी, ध्यान से सुनना, आप किसी भी एक ब्रिज हेड कार्बन एटम को पकड़ोगे, उसके बाद में लॉन्गेस्ट ब्रिज में मूव करोगे। लॉन्गेस्ट ब्रिज का मतलब क्या है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो आपके, ज़्यादा। जैसे कि देखो इधर आपके कितने कार्बन एटम है, दो, इधर कितने, एक, इधर कितने, एक, तो बोलो ये क्या लॉन्गेस्ट। उसके बाद में ये और ये दोनों क्या है, सेम, तो किसी में भी मूव कर सकते हो। जैसे कि देखो इसमें कितने है, जीरो, इसमें कितने, एक, इसमें कितने, तीन, तो पहले देखो आप किसी भी ब्रिज हेड कार्बन को पकड़ के इधर आप मूव करोगे, इसके बाद में वन वाले पे, उसके बाद में इसमें, और कैसे मूव करते हैं ये मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आपको मूव करना है ब्रिज हेड कार्बन को पकड़ो लॉन्गेस्ट ब्रिज में, उसके बाद में स्मॉलर में, उसके बाद में स्मॉलेस्ट में। तो देखो यार क्वेश्चन लिख रखे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो पहले आप ब्रिज हेड कार्बन एटम फाइंड आउट करो, तो जो कॉमन कार्बन एटम है, ये कॉमन है, ये कॉमन कार्बन एटम है, तो जो मैंने हाईलाइट किए ये क्या आपके ब्रिज हेड कार्बन एटम। अब देखो ब्रिज में आप फाइंड आउट करो कितने कार्बन एटम है, इधर कितने, एक, इधर कितने आपके, जीरो, इधर कितने आपके, बोलो ध्यान से, बोलो दो, ध्यान से सुनना हर एक चीज़, कि देखो ब्रिज कौन सा है आपका, कि देखो जब आप इधर से चलना स्टार्ट करोगे, ऐसे चलोगे, ऐसे चलोगे, ऐसे चलोगे, ठीक है, तो इस ब्रिज के बीच में कितने कार्बन एटम आ रहा है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, आप इसको भी काउंट मत कर लेना, ये क्या आपका साइड चेन, ठीक है, क्लियर है, गुड। अब देखो आपको, देखो इस वाले ब्रिज में कितने कार्बन एटम आ रहे हैं, दो, इधर कितने आ रहे हैं आपके, एक, बीच वाले में कितने आ रहे हैं आपके, जीरो। तो आपको मैंने नंबरिंग बताई थी, किसी भी ब्रिज हेड कार्बन एटम को पकड़ो, ठीक है, जो मैंने आपको पहले रूल बताए थे कि ऐसे कि मतलब कि आपके साइड चेन को जब आपकी देखो दो तरफ प्रायोरिटी आपकी सेम हो जाए, तब आप जो पुराने वाले रूल थे उनको भी अप्लाई करना, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। तो देखो कि देखो आप इधर से भी चल सकते हो, जब इधर से इस लॉन्गेस्ट वाले ब्रिज में चलोगे तो साइड चेन को कौन सा नंबर मिलेगा आपका, तीन, देखो एक, दो, तीन, क्लियर है। अगर मैं इधर से चलूंगा तो वन, ठीक है, वन, टू, इसको मैंने टू बोला है, ध्यान से देखते रहना, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है, ठीक है, इसको टू बोला, इसको थ्री बोला, इसको फोर बोला, इसको फाइव बोला, क्लियर है, ठीक है। तो देखो बीच वाले में कोई कार्बन एटम है नहीं, गुड, ठीक है, बीच वाले में कोई भी कार्बन एटम है नहीं, तो यहीं पर हम रुक जाएंगे। उसके बाद में बोलो देखो नाम क्या आया, कि देखो टू पे क्या आया आपका मिथाइल, टू पे क्या आया आपका मिथाइल, देन बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, और जो आपके नंबर है उनको हम किस में लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो बोलो 2, 1, 0, तो बोलो क्या लिखूंगा, 2.1.0, देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं आपके, 5, तो 5 पे क्या आएगा आपका पेंटेन, क्लियर है। तो देखो यार मैंने आपको, देखो इधर ध्यान से सुनना, जो मैंने आपको पहले रूल बताए थे कि देखो मैं इधर से भी मूव कर सकता था लॉन्गेस्ट ब्रिज में, मैं नीचे से भी मूव कर सकता था, तो किसी भी एक ब्रिज हेड कार्बन एटम को पकड़ो, उसके बाद में देखो कि कहीं आपका साइड चेन आ रहा है तो उसको आप लोएस्ट नंबर देते हुए आगे चले जाओ। लेकिन जो मैंने आपको इधर रूल बताया है कि पहले आप ब्रिज हेड कार्बन एटम को पकड़ोगे, उसके बाद में लॉन्गेस्ट ब्रिज को,
उसके बाद में स्मॉलर को, उसके बाद में स्मॉलेस्ट को, इसी फैशन में चलना है। चाहे आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए कहीं पर या फिर नहीं आए, वो उसकी बातें में, जैसे कि देखो इसमें इम्प्लीमेंटेशन में आपको बताता हूँ कि देखो ध्यान से सुनना कि देखो इधर आपके कितने कार्बन एटम, दो, इधर कितने आपके, दो, और ये क्या लिखा है मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड, और बीच के वाले ब्रिज पे कितने कार्बन है आपके, एक। ध्यान से सुनना, ब्रिज पे देखो, जब आप यहाँ देखो ये क्या आपका ब्रिज हेड कार्बन एटम, ये क्या आपका ब्रिज हेड कार्बन एटम, तो जो मैंने आपको देखो ऐसे यूँ चलते थे हम लोग, और चलने पे देखो एक आया, दो आया, ठीक है, तो ये दो क्या है आपके बीच ब्रिज में कार्बन एटम, ब्रिज में, ठीक है। तो देखो यार, अब देखो इस केस में देखो नंबरिंग कहाँ से करें, ये मैंने देखो नंबरिंग नहीं की, ये तो मैंने आपको ब्रिज में ये बताया कि कितने कार्बन एटम आपके हैं। अब देखो नंबरिंग कैसे करनी है कि देखो यार, आप इधर वाले ब्रिज में भी कितने, दो कार्बन, इधर वाले ब्रिज में दो कार्बन, इसमें कितने, एक। तो देखो आप इधर में भी मूव कर सकते हो, इधर में भी मूव कर सकते हो, ना तो देखो इधर आपकी साइड चेन है ना इधर साइड चेन है। तो देखो यार मैंने क्या किया, 1 2 3 4, और ध्यान से सुनना हर एक चीज, इधर आप ये मत कर देना कि फंक्शनल ग्रुप है तो उसको हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, नहीं, जो मैंने आपको ये रूल बताया वही अप्लाई करना है, ठीक है। तो बोलो 1 2, देखो फंक्शनल ग्रुप को आप इससे भी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दोगे, तो बोलो 1 2 3 4, देन उसके बाद में इसको क्या मिला, 5, ठीक है, इसको मिला 5, इसको मिला 6, अब 6 के बाद में आपका इधर 7। अब आपका कहना होगा कि सर 6 और 7 में कनेक्शन नहीं है, तो यार ये IUPAC द्वारा स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो उन लोगों ने इसको वेरीफाई कर रखा है, यही उनका एक तरीका है कि जो इसको नोमेनक्लेचर हम कर सकते हैं। तो 6 से आप जाओ तो इधर 7 डायरेक्ट पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, लिंकेज नहीं है, ठीक है, लिंकेज का मतलब क्या है, कनेक्शन नहीं है, बॉन्ड नहीं है, लेकिन नंबरिंग आप बाईसाइक्लों में ऐसे ही करते हैं। तो बोलो ध्यान से सुनो कि देखो 7 पे क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि देखो ये वाला कार्बन आपका इंक्लूड नहीं है। हर एक चीज़ सुनोगे ध्यान से तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो बोलो क्या लिखूँ मैं, पहले लिखूँगा मैं बाईसाइक्लो, देन मैं क्या लिखूँगा बोलो, जो नंबर आया उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये लिखा, उसके बाद में मैंने क्या लिखूँगा, हेप्टेन, हेप्टेन, उसके बाद में 7 पे क्या आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों, क्योंकि जो आपका COOH है जो आपका, ये इंक्लूड नहीं है मेन चेन में, तो ये जब इंक्लूड नहीं होता तो इसका सफिक्स क्या होता है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये मैंने आपको समझाया। तो देखो जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ध्यान से सुनना कि देखो 1 2 3 ऐसे मूव किए, उसके बाद 6 के बाद में 7, ठीक है। तो देखो आपने पहले ये वाला ब्रिज, देखो ये वाला ब्रिज आपने कंप्लीट किया, उसके बाद में इस वाले ब्रिज में मूव किए, जब ये वाला ब्रिज कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में इस वाले ब्रिज में हम मूव किए। अब देखो इधर कि देखो यार इधर वाले ब्रिज में कितने कार्बन आइटम है, एक, इसमें कितने कार्बन आइटम आपके, दो, इधर कितने कार्बन आइटम आपके, एक। तो अब आप अपने आप बोलो किसमें आपके कार्बन आइटम ज़्यादा है, तो बोलो बीच वाले में, तो पहले बीच वाले में मूव करेंगे। तो देखो 1 2 3 4, ठीक है, उसके बाद में देखो 4 के बाद में इधर भी मूव कर सकता हूँ, इधर भी मूव कर सकता हूँ, बोलो इधर भी कितने हैं आपके, एक, इधर भी कितने हैं, एक, तो किसी में भी मूव कर लो, ठीक है। तो उसके बाद में देखो मैं मूव किया इधर कि 5, और 5 के बाद में देखो कनेक्शन इधर तो है नहीं लेकिन हम लिख सकते हैं 6, समझ में आया। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो देखो यार ये, चलो मैं इसको, मैं एक बार जो मैंने आपके ब्रिज में कार्बन है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको डाउट नहीं आए, ठीक है। जो मैंने रेड मार्कर से हाईलाइट किए ये क्या आपके ब्रिज में आपके कार्बन एटम, ठीक है, इधर भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये क्या आपके, ठीक है, ठीक है। अब बोलो क्या है आप इसका नाम, देखो इसका नाम आएगा आपका बाईसाइक्लो, उसके बाद में बोलो इसके बीच में कितने, दो, इधर 1, इधर 1, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो 2 डॉट, ठीक है, 1 डॉट 1, उसके बाद में क्या आएगा आपका बोलो ध्यान से कि देखो टोटल नंबर कार्बन आइटम कितने आ रहा है, 6, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, हेक्सेन, क्लियर है, ठीक है। अगर देखो आप एक और क्वेश्चन अपने आप कर लेना कि 6 पे क्या लगाना, मिथाइल, ठीक है, 6 पे मिथाइल लगाना, तो बोलो क्या नाम आएगा कि देखो नंबरिंग तो आपकी सेम होगी, जहां आपने इधर 5 दिया अब उसके बाद में आप इधर दोगे 5, क्योंकि देखो इधर भी आपके ब्रिज में कितने कार्बन आइटम है, 1, इधर भी कितने कार्बन आइटम है, 1, लेकिन इधर क्या आ रहा है आपका, एक साइड चेन, तो आपको पता है साइड चेन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो देखो इधर 5 दोगे उसके बाद में इधर 6 दोगे, तो क्या नेम आएगा उसका, अगर मैं इधर में मिथाइल लगा दूँ तो 5 पे क्या आया आपका, मिथाइल, बाकी ये पूरा का पूरा सेम होगा। अब देखो ध्यान से कि देखो ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि देखो यार इधर आपके कार्बन आइटम आपके कितने, 1,
दो तीन। तो देखो ये इधर आपके कार्बन एटम आपके तीन, तो देखो ये ध्यान से देखते रहना आपको समझ में आ जाएगा, इधर कितने कार्बन एटम आपके दो, इधर कितने कार्बन एटम आपके दो। तो बोलो किधर ज़्यादा है आपके कार्बन एटम, तो आपको दिखेगा क्या यार बीच वाले में ज़्यादा है, तो उधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो बोलो क्या करेंगे, वन टू, इधर क्या आएगा थ्री, इधर फोर, इधर क्या आएगा फाइव। अब देखो यार अब एक बहुत बेसिक चीज़ सुनना कि देखो मैं इधर ब्रिज से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, इधर से भी स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अगर देखो मैं इधर से स्टार्ट करूँगा तो देखो इस केस में क्या होगा कि पहले तो ऊपर वाले से समझ लो कि देखो अगर मैंने ऐसे नंबरिंग की तो देखो फाइव के बाद में इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं। अब देखो एक और पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर देता हूँ मैं ताकि आपको चीज़ें सही से समझ में आए कि देखो कि अगर मैं देखो इधर से जाऊँ वन टू थ्री और इसको फोर मिला इसको फाइव मिला और फाइव के बाद में देखो इसने लॉन्गेस्ट ब्रिज को आपने कवर कर लिया, उसके बाद में आप देखो इस वाले ब्रिज में भी मूव कर सकते हो क्योंकि दो कार्बन आइटम है, इस वाले में मूव कर सकते हो क्योंकि दो कार्बन आइटम है सेम है। तो आगे चीज़ें जो हैं जो इधर क्या आ रहा है आपका डबल बॉन्ड, इधर क्या आ रहा है आपका फंक्शनल ग्रुप, तो उसको कंपेयर करो। तो बोलो डबल बॉन्ड को और फंक्शनल ग्रुप को तो किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, तो आपको पता है फंक्शनल ग्रुप की, तो फंक्शनल ग्रुप की ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। तो आप इधर ना मूव करके इधर मूव करोगे सिक्स सेवन, उसके बाद में आप कहाँ पर जाओगे बोलो एट और नाइन, क्लियर है। देखो दोबारा समझो, एक दो तीन, देखो ये कार्बन आइटम है यार, ये थोड़ा छोटा सा लिख दिया मैंने, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। तो देखो नाम क्या है इसका, ध्यान से सुनना कि देखो नाम क्या है आपका बाईसाइक्लो, ठीक है बाईसाइक्लो। उसके बाद में मैं क्या लिखूँ बोलो, ठीक है तो बाईसाइक्लो के बाद में मैं क्या लिखूँगा कि देखो थ्री डॉट टू डॉट टू। तो देखो ये क्या है आपका कि देखो टोटल नंबर कार्बन कितने आए आपके सेवन, सेवन प्लस टू इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, ठीक है नाइन। तो इस केस में देखो नो नेन, ठीक है। अब देखो नो नेन लिखने वाला था लेकिन देखो एट पे क्या आ रहा है आपका डबल बॉन्ड, तो नोन एट पे क्या आया एन, ठीक है। उसके बाद में सिक्स पे क्या आया, सिक्स पे आया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि देखो वो वाला कार्बन आपका इंक्लूड नहीं है मेन चेन में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो यार हर एक चीज़ आप ध्यान से सुनना कि देखो जब आपके ब्रिज में जब नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या आ जाए सेम, तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं साइड चेन को भी देख रहा हूँ, मैं डबल बॉन्ड को भी देख रहा हूँ, मैं फंक्शनल ग्रुप को भी देख रहा हूँ। तो आपको देखो जो आपको जो प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे सेट करना है कि पहले आप ब्रिज हेड कार्बन आइटम को पकड़ो, उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन में मूव करो, उसके बाद में स्मॉलेस्ट, उसके बाद में स्मॉलेस्ट। अब देखो इसके बाद में आपको क्या करना है कि अगर आपके ब्रिज में कार्बन आइटम अगर सेम आ गए, ब्रिज की बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद में आप देखो कि साइड चेन को, कहीं साइड चेन को आपका लोएस्ट नंबर मिल सकता है, तो अगर मिल सकता है तो आप पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी करो कि हाँ कि इधर से साइड चेन को लोएस्ट नंबर मिल सकता है, तो उसके बारे में आप सोचो, ठीक है। उसके बाद में देखो कि कहीं से फंक्शनल ग्रुप को आपको लोएस्ट नंबर मिलता है, तो उसके बारे में भी देखो, कहीं से आपका लिस्ट नंबर मिलता है, कम नंबर मिलता है, तो उसके बारे में सोचो। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्या है आपको, जो मैंने बताया सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसकी है, उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप की है, उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड की है, उसके बाद में आपके किसके साइड चेन की। तो ये मैंने आपको समझा, आई होप ये क्लियर है। तो दोस्तों ये लेक्चर आपका इधर ही खत्म होता है। तो देखो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें हमने जाना है, हमने बाईसाइक्लो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर के बारे में बात की, उसके कुछ क्वेश्चन भी किए, थ्योरी को भी पढ़ा अच्छे से। और देखो आपकी बहुत जो मैं अगर एक बार आपको समरी बताना चाहूँ तो बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या थे, जिसमें कॉमन कार्बन आइटम आपके दो हों। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि देखो नंबरिंग आप कैसे करोगे, ठीक है। जो आप देखो जो नंबर लिखते थे जो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते थे, उसका मतलब क्या था कि पहले आप लॉन्गेस्ट जो आपका जो बड़ा नंबर है वही लिखोगे, तो उसका मतलब भी वही था कि आप किसी भी ब्रिज हेड कार्बन आइटम को पकड़ के सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट ब्रिज में मूव करते थे। अगर आप लॉन्गेस्ट ब्रिज में मूव करोगे तो बोलो जो आपके कार्बन आइटम आएंगे वो भी क्या आएंगे आपके ज़्यादा, तो इसलिए पहले इधर कौन सा नंबर लिखते थे हम लॉन्गेस्ट, उसके बाद में स्मॉलर, उसके बाद में स्मॉलेस्ट, तो ऐसे हमने बात किया। और जो न्यूमेरिकल नंबर के बीच में हम जो सेपरेशन में इस्तेमाल कर रहे थे वो क्या था आपका डॉट, और जो बाईसाइक्लो कंपाउंड का जो प्रीफिक्स क्या था, ठीक है बाईसाइक्लो। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बात किया और मैंने प्रायोरिटी के बारे में भी बात किया। प्रायोरिटी का ऑर्डर मैंने क्या बताया, पहले इसकी प्रायोरिटी है, उसके बाद में जो मैंने आपको पहला प्रायोरिटी बताया था फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड साइड चेन, ठीक है। तो ये सब मैंने बात किया आपको। अगर आपको कुछ भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना या फिर डाउट लेक्चर में पूछ लेना।
तो देखो यार, एक एक चीज़ें मैंने बता दी, और जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, एडिशनल क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे लिंक में, तो उनको अच्छे से करना, उसके बाद में हम और भी चीज़ों को डिटेल में और भी जानेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं यार, जब तक के लिए अच्छे से पढ़ो।